आपके बार चुनाव बीजेपी या कांग्रेस में किधर जा रहा है? बीजेपी, एक नंबर पे बीजेपी। बीजेपी ने काम अच्छा कर रहा है, यहाँ से बीजेपी आएगी, मामा वापिस से आएंगे यहाँ से, जिनका लोड़ा जीतेगा। तो हमारे यहाँ तो साहब एक ही चीज़ है, कमल का फूल। नहीं, बीजेपी ने काम अच्छे करे ना। हाँ, भले मामा जी 18 साल से हैं पर उनने काम करा है। बदलाव चाहिए साहब यार, अरे बदलाव होना चाहिए क्या 15 साल बाद? आपका मन कहता है कि बदलाव होना चाहिए, मन यही कहता है। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी का जोर ज़्यादा चल रहा है। अच्छा। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं और अभी मैं उज्जैन उत्तर विधानसभा में हूँ और ये जो बाज़ार है ये उज्जैन उत्तर का बड़ा बाज़ार है और पास में ही महाकाल हैं। यहाँ जो दुकानें हैं मैं आपको दिखाऊँ, ये पोहा जलेबी की दुकान है, गर्मा गर्म देसी घी की जलेबी बनाते हैं भैया यहाँ पे, इमरती और जलेबी दोनों चीज़ें बनाते हैं। हाँ, दोनों तो बड़े आते जाते हो। हाँ, जो कस्टमर है ज़्यादातर स्थानीय रहता है या बाहर का भी अब ज़्यादा रहता है? टोटली रहते हैं, बाहर के भी है, सिटी के भी है। हाँ, दोनों रहते हैं, बाहर का भी है और यहाँ का भी। लोकल ग्राहक ज़्यादा है, परमानेंट ग्राहक ज़्यादा है। परमानेंट ग्राहक? अच्छा, फिर परमानेंट यानी कि लोकल अगर ज़्यादा है फिर आपको पता भी होगा आपके बार चुनाव बीजेपी या कांग्रेस में किधर जा रहा है? बीजेपी, एक नंबर पे बीजेपी। अच्छा। हाँ, अरे टिकट बदली है आपकी बार आपके यहाँ पे? फिर उससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। हाँ, ऐसा क्या? ऐसा है क्या कि बीजेपी का ही काम है, बीजेपी कर रही जो भी कर रही। बीजेपी का काम अच्छा है? हाँ, उन्होंने काम अच्छा कर दिया है। क्या कह रहे थे आप? बीजेपी ने काम अच्छा कर रहा है, यहाँ से बीजेपी आएगी, मामा वापिस से आएंगे यहाँ से, जिनका लोड़ा जीतेगा। पर चर्चाएं ये हो रही हैं कि माया जीत रही हैं यहाँ से। माया नहीं जीतेगी, सब अफवाह है, सब अफवाह है, अफवाह है, माया मैडम नहीं जीतेगी। तो आपके पास जो ज़्यादा लोग आते हैं जब चर्चा होती है तो सुनने में क्या आता है? बीजेपी, बीजेपी का ही नाम सबसे ज़्यादा आ रही है। बड़ी बात है भाई, आप क्या कह रहे थे भैया? सर तो ना क्या रहे हैं आप, तो बड़ा रंग डाल दिया, दिखाना भाई एक बार। कलर कौन सा कर दिया? हाँ, बड़ा रंग सा डाल दिया। नहीं, हल्दी डाली है, हल्दी और मसाले। हाँ, देखने में तो बड़ा सुंदर है। हाँ, अच्छा है, टेस्टी बनेगा। चुनाव देखने में क्या आ रहा है अभी, ये भी बता दो। बीजेपी आ रही है वापस। क्या हो गया? नहीं, बीजेपी ने काम अच्छे करे ना। हाँ, भले मामा जी 18 साल से हैं पर उनने काम करा है, तो वापस वही बीजेपी आ रही है। हाँ, कांग्रेस का यहाँ पे जैसे माया को टिकट मिला है, उनका क्या लगता है? उनका अभी तो अफवाहें हैं, अभी तो दोनों की गर्मी चल रही है। हाँ, पर बीजेपी की बनेगी सीट कह रहे हैं बीजेपी निकालेगी। कुछ और लोगों से भी जानते हैं, भैया आए हैं यहाँ पे, कैसा लगा पोहा? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले, रूटीन में ही खाते हैं। हाँ, रूटीन में। इस पोहा का तो मैंने देखा बच्चों को टिफिन में भी दे रहे हैं लोग। हाँ, दे रहे ना, बहुत स्वादिष्ट। आपकी बात चुनाव का क्या है? चुनाव बीजेपी, बीजेपी है। हाँ, क्या सबने सोच लिया है? अब सोच लिया, जिसकी लहर है वही चल रहा है। इस सीट पे तो कांग्रेस दावा करी है कि हम जीत रहे हैं। हाँ ठीक है, वो तो उस वक्त पता चल जाए। पक्का है? हाँ पक्का। अब दुकानदार भैया से भी पूछ लेते हैं, आप क्या बनाते हैं? मैं नमकीन बना, कचौड़ी, समोसा, आलू बड़ा, कांदा भाजी बड़ा। सरकार किसकी बना रहे हैं? अब वो बदलाव चीज बार सरकार तो कांग्रेस की बनाएंगे। बल आपकी दुकान में पांच लोगों से बात करी, पांच में आप हैं, चार कह रहे हैं बीजेपी, आप कह रहे हैं कांग्रेस। बदलाव चाहिए साहब यार, अरे बदलाव होना चाहिए क्या 15 साल बाद? आपका मन कहता है कि बदलाव होना चाहिए, मन यही कहता है। बिल्कुल, लोगों से भी पता कर लेते हैं भाई, क्या बात है। सुबह 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 पोहा लेने आ गए बच्चे, है ना? ये अच्छा है ना भैया, ये अच्छा है, बच्चों के टिफिन में पोहा डाल के भेज दो, है ना? हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह बनाने की जरूरत नहीं। हाँ जी, हर रोज यही लेके जाते हो? नहीं, कभी कभी। अच्छा, आपके बार क्या लगता है क्या रहेगा चुनाव का? मेरे को तो 50-50 चांस लग रहे हैं, बीजेपी आ सकती है, कांग्रेस भी आ सकती है, 50-50 चांस ज़्यादा लग रहे हैं। एक 19-20 होता है, 19 पे कौन है 20 पे कौन है? मेरे को कांग्रेस की ज़्यादा उम्मीद लग रही है आपकी बात, क्योंकि सरकार सब फिजूल का खर्चे कर रही है। हाँ। सब गरीबों मिडिल क्लास के लिए क्या है कुछ भी नहीं देखा जाए तो। हाँ। सब आपको लगता है पूरा फिजूल खर्ची पूरा खर्च कर रही है सरकार।
और इस पर बहुत बड़े बड़े नेताओं को ध्यान देना चाहिए, वो भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। वो तो आ रहे हैं तो सब मोदी जी से आ रहे, नहीं तो ये सरकार बीजेपी नहीं आती। वही कैसे हैं सर? सर थोड़ा हम पता कर रहे हैं आपकी बात, चुनाव का मूड क्या है लोगों का, कांग्रेस बीजेपी क्या है सर? नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो कार्य करेगा वही आएगा। कार्य किसने किया? कार्य तो देखो अभी जो शिक्षित बेरोजगारी है कुछ ज़्यादा है, और जो युवा पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं और एक हाई एजुकेशन प्राप्त करके वो घूम रहे हैं उनकी ओर विशेष ध्यान देना, जो इस पे ध्यान देगा वही जीतेगा। अच्छा उत्तर में क्या लगता है आप? उत्तर में तो सोचने विचार है ये, क्योंकि जिस तरीके से आपस में ये इन पार्टियों के कैंडिडेट जो है और जो कैंडिडेट जिस तरीके से इनकी सीटों का परिवर्तन हुआ था, हो सकता है चेंज हो जाए। आपकी बार कांग्रेस की संभावना? नहीं मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी कांग्रेस, मैं बिल्कुल कतई इस वो नहीं हूँ। मैंने तो आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उसके बात कर रहा हूँ। सीधी सीधी बात नहीं हो रही है। गाड़ी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है मोदी जी के राज में। अरे मोदी जी ने उसमें क्या वो नहीं चल चलू है ये गाड़ी है ये, और कईयों को रोजगार मिला है इसमें, बहुत ज़्यादा लोगों को मिला है, बहुत लोगों को मिला है जो अपने घर चला रहे हैं, जो फालतू घूमते थे वो भी कर रहे हैं, हम जैसे बुजुर्ग लोग हैं वो भी कर रहे हैं, खा रहे हैं अपना, नहीं तो पाँव से बनता नहीं, करते क्या हम लोग? पाँव में भी दिक्कत रहती है। हाँ तो चलाता नहीं ना हमसे, तब ये इसमें बैठ के कम से कम अपना पेट तो भर लेते मेहनत करके, ये रोजगार हो गया। हाँ उत्तर की अगर हम बात करें, अब की बार क्या संभावना है विधानसभा उत्तर की? अब हमारे यहाँ तो साहब एक ही चीज़ है, कमल का फूल, दूसरी बात नहीं है। आपने तो सोच ही लिया, बस एक ही जगह दिल लगा लिया? नहीं आज से थोड़ी लगाया दिल, ये तो बरसों हो गए, 68 साल हो गए हमको। हाँ 68 साल हो गए इसमें। चलिए ये तो पक्के वाले हैं आप तो, मतलब हैं फूल। जय महाकाल। किसको जिता रहे हो? उत्तर में क्या देखो साहब, जो जीतेगा जो सही है और क्या है, वो तो सदा ही होती है ऐसे। बाकी बीजेपी का जोर ज़्यादा चल रहा है। अच्छा बड़ी बात है कि सारे बीजेपी। हाँ तो क्या करो सर, काम भी कुछ हुए ना ऐसे, जो 60-70 साल में नहीं हुए थे, जो इन चंद दिनों में हो गए काम, क्या तो जनता तो उधर ही जाएगी ना सर। क्या साहब ये भी बीजेपी कह रहे हैं? हाँ तो कमाल हो गया, आप अकेले पड़ गए सारों में। ये हौसले बढ़ गए आप लोगों के। क्या है कि बीजेपी जीतेगी इस बार तो। अच्छा हाँ उत्तर में नहीं, इस बार क्या, हर बार ही बीजेपी जीत। हाँ हाँ फिर इस बार क्या नया है? उत्तर में भी बीजेपी ही जीतेगी। ये अनिल कालू एड़ा जो है कैंडिडेट कैसे? अच्छे कैंडिडेट है। अच्छा हाँ माया मैडम में क्या दिखा? माया मैडम भी अच्छे है। क्योंकि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, शिवराज भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो शायद बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा ये बात है, आप उत्तर से ही, आप भी आप विधानसभा उत्तर में ही हैं? नहीं हम दक्षिण से। दक्षिण का माहौल क्या लगता है? दक्षिण का बहुत बढ़िया अच्छा माहौल है। कौन जीत रहा है? मोहन जी जीत रहे हैं। मोहन जी जीत रहे हैं। मोहन जी जीत रहे हैं। अच्छा मतलब यहाँ तक चर्चा है मोहन जी। मोहन जी जीत रहे हैं। मोहन जी जीत रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, बातचीत से तो ये पता लगता है कि माया त्रिवेदी के लिए अभी संकट टला नहीं है, जिस प्रकार से प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो काम करने वाला तबका है वो सारा तबका यही कहता है बीजेपी जीत रही है। तो ऐसे में अगर बीजेपी जीत रही है तो कौन है जो कांग्रेस को यहाँ से जिता रहा है? खैर आप लोगों को क्या लगता है आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरे सचिन के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य सटीक बेबाक।